Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing indefinite integration and you have given me two doubts. I would like to discuss it before we progress ahead with the syllabus. So the first one that you have given is sine raised to the power 5x. Okay, so isko kaise deal karna chahiye? Dekho directly to ye integrable hai nahi, hai na? Aur koi aisa chain rule to humare paas hai nahi integration mein. So, कुछ ना कुछ ऐसा कन्वर्जन हमें सोचने की जरूरत है जिसमें कि हम चीजों को डील कर सके। जैसे मुझे सबसे पहले ये दिखता है कि अच्छा पार ऑड है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको साइन एक्स लिखता हूँ और साइन की पार 4x लिखता हूँ। ठीक है, साइन की पार 4x जैसी मैं लिखूंगा ना, आई विल गेट सम स्कोप टू कन्वर्ट इट इनटू cos, लाइक दिस विल गिव मी अ स्कोप टू कन्वर्ट इट इनटू fx की पार n इनटू f'x। ठीक है, ये बेनिफिट मुझे दिखता है, तो मैं साइन एक्स को एज इट इज रहने दे रहा हूँ, बिकॉज ये मुझे एफ डैश एक्स की तरह अभी से दिख रहा है। और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, 1 - cos² x, क्योंकि पार 4 है तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज समथिंग विच कैन बी डेल्ट विद इजिली। चलो लेट्स ट्राई एंड रीच द आंसर। सो हमारे पास ये कितना आ गया, साइन एक्स, और यहाँ इस स्क्वायर को ओपन करो तो इट इज 1 + cos⁴ x -2 cos²x, ठीक है, एंड आई बिलीव द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है, पहला तो वैसे ही हो गया, साइन एक्स से चला गया, फिनिश हो गया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, कॉस रेज टू द पावर 4x इनटू साइन एक्स। और तीसरा अगर आप ध्यान से देखें तो इस 2 को बाहर रखो और ये क्या है तुम्हारे पास, cos²x इनटू साइन एक्स। ठीक है, dx सभी जगह पे होना कंपलसरी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी लिख दूं, -cos x लिख डालता हूँ। ठीक है, -cos x, और ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है हमें, ये हमें फॉर्म दिख रहा है कि अगर मैं cos x को fx लेता हूँ, राइट, तो ये fx की पार n दिख रही है और ये f'x दिख रहा है, लेकिन अब माइनस साइन की कमी आ रही है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि एक माइनस साइन यहाँ बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल गेट द सेम थिंग। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, fx raised to the power n into f'x, right? ये कैसा फॉर्म आ गया हमारे पास, fx raised to the power n into f'x, और इसकी इंटीग्रेशन हमें कॉन्फिडेंटली पता होनी चाहिए कि fx raised to the power n plus 1 upon n plus 1 दिखता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बोलूंगा, ये माइनस साइन हमारे पास रह जाएगा, राइट, बिकॉज ये वाला माइनस f'x में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी cos⁴ x / 5, this would be similarly, यहाँ भी sign change होगा, this will give you a plus, so that would be twice of cos³ x / 3 + c. I think this should be treated as the final answer. एक बार ही check कर लो, जो भी answer है question number 2 का, है ना, ये -cos x and -2/3 cos³ x and +1/5 cos की पार 5x। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो बड़े आसानी से ये चीज डिस्कस हो जाती है, एंड आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। आई टेक अप द नेक्स्ट डाउट दैट यू हैव गिवन। अब अगेन यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में, जब कोई भी डिनोमिनेटर में है ना, तो थोड़ा ध्यान से तुम्हें उसको चेक करना पड़ेगा, ध्यान से उसको डील करना पड़ेगा। अब f'x आसानी से तो दिख नहीं रहा है ना, मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे कभी साइन कॉस के फॉर्म में आ रहा है तो ये देखो कि m प्लस n यानी कि उनकी पार्स कितनी है, उनकी पार्स कितनी दिख रही है मुझे, 8 दिख रही है, तो कॉस की पावर 8x से मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, कॉस की पावर 8x से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको कॉस की पावर 8x से जब डिवाइड करूंगा तो 1 / cos⁸x को तो मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूँ, sec की पावर 8x, न्यूमरेटर वाला। ठीक है, यहाँ कॉस की पावर 5 गया, ये कितना आ गया मेरे पास, tan³x आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने, व्हाई डिड आई मीन हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी, राइट, दैट्स वन थिंग दैट शुड स्ट्राइक योर माइंड। सो आई रियलाइज कि tan x को अगर मैं t सोचता हूँ तो मुझे ना ये दिखता है कि sec²x आसानी से f'x होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ sec²x एंड sec की पार 6x। अभी जो sec की पार 6x है ना, इसको भी मैं पता है कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा sec²x की पार होल क्यूब, चलेगा ना, राइट, चलना चाहिए। ओके, चलना चाहिए। अच्छा क्या पर्पस है ऐसा क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि मुझे ध्यान आता है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. x लिख रहे हो तो x लिख, theta is whatever. तो ऊपर जो sec square x है ना, इसके मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसके जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. इस sec square को जो second वाला है राइट, इसको मैं क्या लेने जा रहा हूँ 1 plus tan square. ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 plus tan square x होल क्यूब इंटू sec square x. ठीक है, ये आपके पास जो sec square, मैंने सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया राइट, यहाँ पे था मैंने इसको आगे बढ़ा के लिख दिया. ठीक है, दिस इज sec square x dx. और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है tan cube x. नाउ द क्वेश्चन इज फिनिश चिल्ड्रन, अब कुछ नहीं बचा. आंसर को रिप्रेजेंट करने के ख्याल से थोड़ा आप इस तरीके से लिखने की हैबिट रख सकते हैं. अब आपने करना क्या है, अब आपने tan x को t लेना है. जैसे आपने tan x को t लिया, आपको दिखने लगा कि dt by dx की वैल्यू कितनी है, sec square x. ठीक है, और आप कह सकते हैं कि sec square x into dx, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को i को मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, लेट मी राइट इट हेयर इन दिस रिमेनिंग स्पेस. ठीक है, ये हमने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, अभी इसका कोई सोल्यूशन में कोई रोल नहीं है. ओके, तो ध्यान रखना. तो देखो अब आई मेरे पास कितना आएगा, टैन एक्स मेरे पास टी है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, मैं इसको लिखना चाहूंगा 1 plus t square का होल क्यूब, और sec square x dx की जगह पे क्या लिखूंगा, dt. नीचे क्या आ गया, t³. नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंटीग्रेबल, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू हैंडल. द ओनली चैलेंज दैट यू माइट बी फेसिंग इज इसका होल क्यूब करना है ना, तो वो भी कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं है किसी के लिए भी, है ना. होल क्यूब कर दो, ए प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करो. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b दैट वुड गिव मी 3t² एंड प्लस 3ab² दैट मीन्स गिव मी 3t⁴. दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाई टी क्यूब. सो वेन एवर वी इंटीग्रेट सच एक्सप्रेशन, मैं इसको सिंपल टी के फॉर्म में लेना चाहूंगा. जैसे पहला फंक्शन कैसा दिखता है, टी रेस टू द पावर -3 dt, चलेगा. दूसरा कैसा दिख रहा है, टी क्यूब डी टी, ये भी चलना चाहिए. और आई मीन दूसरा तीसरा कैसा दिख रहा है, ये 3 times of dt over t. ओके, और आखिरी दिख रहा है मुझे 3 times of t dt. राइट, सो इन सब का फाइनल आंसर नाउ एनीवन कैन राइट दैट, t रेस पर -n+1 दैट इज -2 अपॉन -n+1 -2. देन वी हैव t रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड देन द लास्ट वन इज 3 times log of 2. राइट, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज 3t² by 2 + c. फाइनल आंसर हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था उसके फॉर्म में होना चाहिए. t आपकी अपनी एजम्पशन है, वो यहाँ पे नहीं देखना चाहिए. तो फिर से इसको लेके आओ राइट, ये -1/2 हो गया, टी की पावर -2 है, तो मैं इसको ना 1/2 और टेन स्क्वायर एक्स बोल देता हूँ, चलेगा. ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 10 की पावर 4x अपॉन 4. ये आपके पास आ गया 3 times of log of tan of x एंड द लास्ट वन सीम्स टू मी लाइक 3 times of tan square x upon 2 plus c. सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर. ठीक है, चेक करके देख लो एक बार 11th का, है ना, 1/2 एट tan की पावर, तो कुछ सिमिलर सही लग रहा है मुझे. आई होप दैट्स फाइन. ओके, इस तरीके से आप इसको डील कर सकते थे.